नमस्कार, प्रस्तुत है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट और इस सीरीज की यह पहली वीडियो है। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट के अंतर्गत एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं और उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से सही को ऑप्शन को चुनना होता है। आज के इस पार्ट वन वीडियो में जो पैसेज हमने चुना है यह क्लास 8 बोर्ड 2019 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है, रीड रीड यानी पढ़िए द पैसेज पैसेज को एंड चूज चुनिए द करेक्ट सही ऑप्शन को इन क्वेश्चंस 12 एंड 13। एक बार फिर से पढ़ता हूं। एक बार में रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चंस 12 एंड 13। इस पैसेज को पढ़िए और जो क्वेश्चंस 12 एंड 13 में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सही को चुनिए। चलिए मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिएगा और इसके अर्थ को भी समझिएगा। वंस, एक बार की बात है या एक बार। ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, बैंक का मतलब किनारे। अ मंकी, बंदर, मेड ने बनाया अ होम, घर, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। इन अ ट्री, एक पेड़ पर। लेडन विथ फ्रूट्स, जो फलों से लदा हुआ था। चलिए एक बार फिर से पढ़ता हूं। वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट्स। एक बार एक नदी के किनारे एक बंदर ने अपने लिए फलों से लदे एक पेड़ पर घर बनाया। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी खुश था। बट किंतु, लोनली अकेला, एंड और वांटेड चाहता था अ कंपेनियन, एक दोस्त। किस लिए? टू टॉक टू, बातें करने के लिए। एंड शेयर द फ्रूट्स, फलों को बांटने के लिए विथ। चलिए एक बार मैं पढ़ता हूं। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। वो बंदर खुश था लेकिन अकेला था और चाहता था कि एक दोस्त हो जिसके साथ मैं बातें करूं और फलों को शेयर करूं। वन डे, एक दिन, अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड, एक क्रोकोडाइल आया। ऑन द रिवर साइड, नदी किनारे। रिवर साइड मतलब नदी किनारे। वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, एक दिन नदी के किनारे एक क्रोकोडाइल आया या उपस्थित हुआ। द मंकी टॉक्ड टू हिम, मंकी ने उससे बातें की। पोलाइटली, बिल्कुल नरमी से। एंड और दे सुन, तुरंत तुरंत या जल्दी। बिकेम फ्रेंड्स, बिकेम मीन्स बन गए, फ्रेंड्स तो आप जानते हैं दोस्त। द मंकी टॉक टू हिम पोलाइटली एंड दे सून बिकेम फ्रेंड्स, बंदर ने उससे बहुत ही नरमी से बहुत ही अच्छे से बातचीत किया और वे बहुत जल्दी दोस्त बन गए। चलिए प्रश्नों को देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, पैसेज में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो पैसेज के अंदर से ही होते हैं, यह आपको ध्यान रखना। Why did the monkey want a companion? मंकी एक कॉम्पेनियन क्यों चाहता था? अब ऑप्शन को देखते हैं। टू जंप फ्रॉम ट्री टू ट्री, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदने के लिए। टू शेयर हिज ट्रबल्स, अपनी कठिनाइयों को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए। टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करने के लिए। टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स,
बातें करने के लिए और फ्रूट्स शेयर करने के लिए। तो अभी हमने पैसन में देखा बंदर क्यों कंपेनियन चाहता था, बातें करने के लिए और फ्रूट्स को शेयर करने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वेयर डिड द क्रोकोडाइल अपीयर, क्रोकोडाइल कहां उपस्थित हुआ? सी साइड, समुद्र किनारे, रिवर साइड, नदी किनारे, लेक साइड, झील किनारे, माउंटेन साइड, पर्वत किनारे। तो हमने पैसेज में देखा था कहां उपस्थित हुआ था, रिवर साइड। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव के अंतर्गत पहला वीडियो था। बहुत जल्द इसके बाद और भी वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।